ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली चोरिया काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरिया के सरिया तेरा इश्क है पिया और गुड क्लीन मेकअप एंड गुड स्किन स्किन के प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और आप लोग मेरी स्किन की रियलिटी काफी अच्छे से देख सकते हो एक्ने मार्क्स और स्टार्स काफी हद तक कम हो चुकेटिंग एनी ब्रांड न्यू एक् माई फेस आई है और मैं उनका फेस वॉश सबसे पहले यूज करने वाली हूँ टू स्टार्ट द स्किन के रूटीन दिस इज डॉस नी मैन सेल्सिलिकसिड फेस वॉश क्विजिंग सम अमाउंट ऑफ इट इट है जेल लाइकिस And then I'm gonna start washing my face. It has 1% salicylic acid in it, which helps to fight the acne or acne scarring. Ko bhi tak kam mein madad karta hai. It also has neem extract in it, which, in combination of salicylic acid, helps to kill the bacteria. It also has ingredients like tulsi, sodium lactate, which helps to fight acne and acne marks. This face wash is very gentle on the skin, and no, it doesn't dry out my face at all. This is free of sulfate, it has a soap free formula as well. But under eye area avoid this is meant for all skin types. So I use this face wash for like 40 to 50 second on my face after that I use normal water to cleanse my face and now I'm pat drying my skin now I'm going to apply some lip balm on my lips to hydrate my super chapped lips for toner i'll be using the face shop chia seed vitamin b12 toner this is a hydrating toner so do and i'm going to pat it into my skin wait for at least like 30 seconds and then i'm going to move on with my treatment serum for that i'll be using dr neem and bha spot clarifying serum you can see that I've, already used it. I've completely fallen in love with it it has 2% salicylic acid in it which is a bha it is oil soluble it penetrates deep into your skin to clear out the pores and will start drying out the acne and acne

फॉर ट्वेंटी परसेंट ऑफ एट डॉक्टर शेड्स वेबसाइट सीरम को कुछ थर्टी सेकंड में अपने स्किन में एब्सार्ब होने के लिए दूंगी उसके बाद आई एम गोना फॉलो अप विद सनस्क्रीन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ द डरमाज वॉटरमेलन सस्क्रीन दिस वन एज एस पी एफ फिफ्टी इन एट दिस हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन सो एम स्की माई मॉइस्चराइजर दिस गो एक्ट एज अस्चराइर इन सन स्क्रीन सो मैंने काफी अच्छा खासा क्वांटिटी लिया है अपने पूरे फे पे फोरहड पे नेक पे हर जगह अच्छे से अपलाई कर रही हूं एंड विद कंप्लीट इन माई एंटायर स्किन केयर रूटीन लेट जस्ट वेट फॉर टेन मिनट्स फॉर द स्किन केयर टू सिंगिंग विद माई स्किन

कलर करेक्टर डार्कनेस को कैंसिल आउट करने में मदद करता है उसके बाद में उसके ऊपर कंसीलर या फाउंडेशन लगा सकती हूँ और वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगेगा या फिर मेरा स्किन वॉश आउट नहीं लगेगा इट्स इंपॉर्टेंट कि कलर करेक्टर अच्छे से मेरे स्किन पे बैठ जाए तब तक मैं अपने फेस पे टेंट अप्लाई कर देती हूँ फॉर दैट आई एम यूजिंग कफ्स एंड लैशेस लिप एंड चीक टेंट इन द शेड बॉस मॉम तो पहले मैं स्माइल करूंगी कुछ इस तरीके से उसके बाद मैं अपने फेस पे से अप्लाई करूंगी चार डॉट्स मैंने चीक्स पे अप्लाई किया थोड़ा सा नोज पे भी अप्लाई किया एंड देन आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग दिस प्रोडक्ट इन टू माई स्किन इसके ऊपर में कंसीलर अप्लाई करूंगी ना तो ऐसा लगेगा कि मेरी स्किन विद इन ग्लो कर रही है विद इन फ्लश ऑफ कलर मुझे मिलेगा और वो काफी अच्छा लगता है फॉर कंसीलर आई आईल बी यूजिंग नेब एज डिवाइन कंसीलर इन द शेड कैरमेल थोड़ा सा ही यूज करना पड़ता है कवरेज काफी अच्छा देता है तो मैं ये वाला यूज कर रही हूँ इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया अनर आई बैक्स पे आउटर कॉर्नर ऑफ माई आइज अराउंड माई लिप्स ऐसे वी शेप पे फिर टीजोन पे अप्लाई किया अराउंड माई नोज क्यूँकी वहाँ वहां पे ना रेडनेस हो जाता है मुझे एंड जहा जहा पे मुझे एक्नी मार्क्स प्रोमिनेंट दिख रहे हैं वहाँ वहाँ पे कंसीलर ऐसे डॉट डॉट करके अप्लाई किया है दिस इज कॉन बी माई बेस्ट प्रोडक्ट आई वोट भी यूजिंग एनी फाउंडेशन टूडे कीपिंग द बेस वेरी लाइट ब्रश को मैंने काउंटर की तरह यूज किया है उसे काव आउट करने के लिए मैंने कंसिलर ब्लश के नीचे भी अप्लाई किया है जब मैं उसे ब्लेड करूंगी तो वो काफी अच्छा लगेगा विद्प ऑफ अ स्मॉल कंसिलर ब्रश आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग दी कंसिलर इन टू माई स्किन आई एम गोइंग विद द डैप डैप मोशन स्पेशली फॉर दी अंडर आई एरिया यहाँ पे मैं ज्यादा मूवमेंट नहीं चाहती हूँ कंसिलर का अब जो भी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लग गया होगा मेरे ब्रश में कंसिलर का वो मैं आईलिट में भी अप्लाई कर दूंगी टू कैंसिल आउट दी डार्कनेस ओवर माई आईलेट अराउंड माई लिप्स ऑल्सो आई वेंट फॉर दी डैब डैब मोशन बिकॉज आई डो नॉट वॉन्ट मच मूवमेंट और जो कंसिडर मैंने चीक्स पे अपलाई किया था वहां पे आई वॉज गोइंग फॉर अ डैब एंड ड्रैक मोशन ताकि थोड़ा सा शेयर कवरेज मुझे वहाँ पे मिले स्टिलर ब्रश एंड टेकिंग कॉम्पैक्ट पाउडर बाय नाइका इन देड सैंड दिस इज वन शेड लाइटर देन मै स्किन टोन और अंडर आई एरिया को अच्छे से सेट करूंगी अंडर आई को सेट करने के साथ साथ हल्का सा ब्राइटनेस भी प्रोवाइड करेगा दैट्स वाई वेंट फॉर वन शेड लाइट

काजल एंड टाइट लाइनिंग में अपर वॉटर लाइन विद इट फिर एक मैंने पफ में अपनी छोटी उंगली को फसा के अपने लोअर लैश लाइन पे काजल को अप्लाई किया है पर मैं आउटर कॉर्नर पे ज्यादा अप्लाई नहीं करूंगी क्योंकि इन दी एंड ऑफ द डे काजल ना आउटर कॉर्नर से कभी कभी ब्लीड होना शुरू हो जाता है एंड आई डोंट दैट फॉर दिस लुक पहले हमने पेंसिल ब्रश और डार्क ब्राउन कलर को स्मच किया था अब मैं स्टैम्प कर रही हूँ वेरी क्लोज टू माई आई लैश ताकि अगेन वो स्मोकी इफेक्ट को एनहांस टू स्प्रे सम सेटिंग स्प्रे ऑन अ फ्लैट आई शेडो ब्रश गोइंग टू पिक दैट शैप गोल्ड कलर और मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूंगी इससे सिर्फ जहां पे मैंने पॉइंट करके आपको बताया ना वहां वहां इसे अप्लाई करूंगी लोअर लैश लाइन पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करूंगी मैं ये जो छोटे छोटे डिटेल्स है हाईलाइटिंग द इनर कॉर्नर एंड दे जस्ट फैक्टर टू एंटायर लुक और बहुत खूबसूरत लगता है मैं एक रिट्रेक्टेबल काजल पेंसिल यहाँ पे यूज कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट एरिया को टाइटन कर रही हूँ इसका यूज करते हुए दिस स्टेप मेक्स एज डिफरेंस टू दी एंटायर काजल वाला आई लुक फिर आईलैश कलर की मदद से अच्छे से आई लैशेस उसके बाद आई बी यूजिंग दिस का न्यू मस्कारा एल बीजिंग है अभी कुछ एक हफ्ता हुआ है मुझे इसे यूज करते हुए मुझे तो काफी पसंद आया इसका फॉर्मुला चार कोड अप्लाई किए थे और आप लोग देख सकते हो इट जस्ट लेस माई आई एंड प्रोवाइड स्लाइट बीट ऑफ वॉल्यूम ऑन आउटर कॉर्नर ऑफ आईज। आई लव दैट लुक और मैंने लोअर लैश में भी इसे अच्छे से किया है eyebrows, वाला उसके pencil, सामने, सामने हल्का हल्का स्ट्रोक दिया है एंड ऑन माई आंख मैंने वहां पे फिल किया है एंड लास्टलीम माई आई

बूटी ब्लेंडर इट सेल्फ हाईलाइटर के लिए टिप ऑफ माई काउंटर ब्रश और वही हाईलाइटर मैं यूज कर अप्लाई किया था एंड आम गोन अपलाइट ऑन दाइस्ट पॉइंट ऑफ माई फेस दैट इज माई चीक बोस एंड गोन ब्लेंडेल्प ऑफ माई फिंगर्स लाइट बेट ताकि वो ब्रश के साथ मिक्स हो जाए और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इट प्रोवाइड सर्ट ग्लो टू योर स्किन ऑन माई नोज एंड ऑल्सो ऑन माई क्यूपेस वो उसके बाद आई एम गोइंग टू बेटिंग दी एंटायर फेसिंग सेटिंग स्प्रे स्प्रे अप्लाई करने के बाद आई एम गोन फैन माई फेस उसके बाद विद दिल्प ऑफ दी ब्यूटी ब्लेंडर डोम साइड ऑफ द ब्यूटी ब्लेंडर एम गो प्रेस द सेटिंग स्प्रे इनटू माय स्किन तो फोरहेड पे चीक्स पे अच्छे से प्रेस कर रही हूँ इसको प्रोवाइड अटल ग्लो टू योर स्किन लास्ट लॉन्गर ऑन माय फेस पिंकी न्यूड लिप कॉम्बो के लिए सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइट लिप लाइनर इन देस्ट लिप्स को आउटलाइन करने के बाद आम गो फिल द आउटर कॉनर ऑफ माई लिप्स विद दिस लिस्टिक लैल बी यूजिंग ए न्यूड मॉव पिंक लिपस्टिक दिस बाई मे बीन दिस इन द शेड गेट एंड्रेस्ट ये लिपस्टिक एन वॉश मी आउट इसलिए मैंने ना पहले लिपलाइनर अपलाई किया उसके बाद लिपस्टिक अच्छे से अप्लाई किया एंड फाइनल लिप कॉम्बो ये आई लुक को कितने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एम गोइंग टू वेद ये पूरे लुक को कितने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उसके बाद एक ब्लैक बेन लगा ली है मैंने एंड दिस द फिनिश क्लीन गर्ल मेकअप लुक इस आई लुक के साथ ना आप कोई दूसरा कलर भी पहन सकते हो पिंक रेड या कोई डार्क कलर भी पहन सकते हो वो भी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा और बेस जैसे मैंने आपको बताया बहुत लाइट वेट रखा है इजिली आप आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा लुक क्रिएट कर सकते हो एंड दिस आई ली एप इंजॉयड वॉचिंग टूडे वीडियो कुछ नए मेकअप ट्रिक्स आपको सीखने को मिले अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो डेंडू make sure you like this video subscribe to my channel don't forget to comment i love to read your comments and i'm going to see you guys pretty soon with a brand new content on my channel bye everyone take care